जी तूने मेरे अंदर चीकू डाला, अगर मुझे गुस्सा आया ना तो धुड़ुम धुड़ुम करके तुझे बॉय में डाल दूंगा और ये चीक मारूंगा। देखो बस पूरा दिन घर में धमा चौकड़ी, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, शोर मचाते रहते हो। कोई और काम है तुम लोगों को? कितनी बार तुम लोगों को समझाया है कि इतना शोर मत मचाया करो, इतनी मस्ती मत किया करो, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो कभी कुछ सुनना नहीं होता। आज तक कभी टाइम से नाश्ता किया है? टाइम पे होमवर्क किया है? उसके लिए तो इतनी बार बोलना पड़ता है, लेकिन शैतानियों से बाज नहीं आना। क्या अब मेरी ऐसी शक्ल क्या देख रहे हो? अभी तीनों के तीनों अंदर जाओ और अपना होमवर्क करो, समझे? देखो ना दादू। ठीक कह रही है तुम्हारी माँ, हर चीज का टाइम होता है, पढ़ने का, सोने का, खाने का, खेलने का। हर आदमी को डिसिप्लिन होना चाहिए, समझे? बिल्कुल सही कह रहे हो पापा जी। इनका सिर्फ एक ही काम है, सारा दिन टीवी देखना और बंदरों की तरह उछल कूद करते रहना। और इन बंदर सेना का लीडर है ये रोहन। चल पापा जी। पापा जी का बच्चा, चल चलो काके। तू क्या हंस रहा है? चल। तो तुम लोग भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? और नहीं तो क्या, ये बड़े लोगों ने तुमको परेशान करके रखा है। हाँ, पर मैं बड़े और स्कूल में टीचर, हमको फुटबॉल की तरह कभी उधर ठोकर मारते, कभी इधर ठोकर मारते। हम पढ़ाई करते तो कहते जाओ बाहर जाके खेलो, और बाहर खेलते तो कहते बहुत हो गई मटर गश्ती, जाओ अंदर जाके पढ़ाई करो। इन बड़े लोगों को तो टाइम टेबल ही फिक्स नहीं है। हमें जो खाना होता है उसके लिए मना करता है, बस हर सुबह शाम दूध ही पिलाता है और कहता है उससे सेहत बनेगी, सेहत बनेगी, सेहत बनेगी। हमारी सेहत बनानी है तो चॉकलेट दो ना, वो भी तो दूध से ही बनती है। ऊपर से कहते हैं कि बचपन के दिन बड़े सुहाने होते हैं। क्या खास सुहाने होते हैं? खुद बच्चा बन के देखे तो पता चले। तुम ठीक कहते हो, सब उल्टा पुल्टा होता तो इनको पता चलता। काश ऐसा होता कि ये बड़े बच्चों की जगह पर होते और हम सब बच्चे बड़ों की जगह पर होते। रविंद्र पुत्र, अभी तक तूने अपना बैग पैक नहीं किया, भूल जा रही है नहीं? मम्मी, आज मुझे स्कूल नहीं जाना बल्कि आपके ही साथ रहना है। अच्छे बच्चे इतने करते स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े कैसे बनोगे? ठीक है मम्मी। हो गया मम्मी। शाबाश, अब पियो दूध। मम्मी, आपको पता है ना मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं पीऊंगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते, दूध तो पीना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज 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 ना। नो प्लीज, पी लो जल्दी। बस खत्म। शाबाश मेरी रावी बेटी। मम्मी, आपकी रावी बेटी नहीं है, बेटा है बेटा। आप भी बेबे की तरह भूल गई। हाँ मैं भी भूल गई थी, लेकिन तू मत भूलना कि तू मेरा रविंद्र पुत्र है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि ये तो हम दोनों पार्टनर्स का सीक्रेट है ना। बिल्कुल, अब चलो जल्दी चलो, रोहन और रमन तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। रोहन, लेकिन आज मुझे स्कूल नहीं जाना था। जल्दी चलो, रोहन अमन तैयार भी हो गए होंगे। अच्छा चलो, वेट कर रहे हैं। ओए रविंदर, जाओ जल्दी आ जा। मम्मी मुझे आज स्कूल नहीं जाना। तुम्हें जाना पड़ेगा रविंदर। ये देखो रोहन भी आके तैयार होकर। क्या हुआ रोहन, अभी तक अमन नहीं आया? आ गया आंटी जी। मैं आ गया। लो अमन पुत्र भी तैयार हो गया। मम्मी, आज दादू हमारी खर्ची देने नहीं आए। हाँ आंटी जी। लो पापा जी आ गए।
अरे रेडी है जी पापा जी। दादू स्कूल की खर्ची। ये लो स्कूल की खर्ची। ये लो। दादू बस 5 रुपए। दादू 5 रुपए से आजकल कुछ नहीं आता। हाँ दादू अगर तुम अच्छे मार्क्स लाओगे तुम्हारी खर्ची 10-10 रुपए हो जाएगी। हैं? इस बार तो मैं 5 रुपए से अच्छे नंबर खरीद के ही लाऊंगा। शाबाश पिता शाबाश। जी पापा जी। बच्चों को स्कूल छोड़ के जल्दी आ जाना। जरा पटवारी जी को मिलने जाना है। ठीक है पापा जी चलो एक आगे चलो मन जाओ जा रविंदर चलो रविंदर बाय बाय बेटा बाय बाय अमन बाय रोहन बाय रविंदर। योगा से ही सब होगा योगा से ही सब होगा। हाय हाय इसको तो अपने झूड़ो कराटों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हसपाले ओए हसपाले। हसपाल नहीं बहना यशपाल यशपाल यशपाल। ओए हाँ हाँ ओए कैसी नौकरानी है तेरी। उसे चंगा भला पता है कि सुबह सुबह जब तक मुझे वो नहीं मिलती ना ओए तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। वो कौन अमृता? अमृता से मुझे चक्की पिसवानी है। ओए वो जिसे सुबह सुड़ सुड़ करके पीते है। अच्छा लस्सी। फटे मुँह तेरे तो कितना भुलक्कड़ हो गया है तू। और तुझे ये भी याद नहीं कि सुबह सुबह क्या पीते हैं? शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। ओए शाबाशी चाय। ओ यही तो मैं कह रही थी पर तेरी मम्मी ने मुझे क्यों चाय पे बुलाया? अरे फूफी मेरी मम्मी ने नहीं मैंने चाय गैस पे चढ़ा के रखी है उसी की बात कर रही थी। अच्छा बंसो जी जसवीरों को बोल कि गाड़ी तैयार रखे। जी पापा जी। पटवारी साहब से मिलने जाना और आ जाना खाने में कुछ मीठा बनाना। अरे पापा जी ज्यादा मीठा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ धीरे बोल अमृता ना सुन ले। पापा जी मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है पर कभी कभी तो हर किस नहीं एक दो चम्मच ही लूंगा एक दाना भी नहीं। आप बंसु और फूफी को मना सकते हैं लेकिन मुझे नहीं। बस तेरी मर्जी पुत्र। ओ बंसु जी परजाई जी अभी किचन में बहुत सारा काम पड़ा चल। हाँ परजाई जी हाँ हाँ। ये किचन क्या होता है? रविंदर अमन तुम लोग क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि आज स्कूल में कितना बड़ा पंगा हो गया। पहले टीचर ने हम लोगों को मुर्गा बना दिया उसके बाद मुर्गा बनने के बाद कुकड़ू कू ऐसे करने के लिए बोला और सारे के सारे बच्चे ही ऐसे हम पे हंस रहे थे। और रोहन तू है कि गन्ना खा रहा है? हमें डांट लगाई तो लगाई ऊपर से डबल होमवर्क दे दिया। हमसे सिंगल तो होता नहीं डबल कहाँ से होगा? सही बात है गन्ना खाओगे? रोहन तू ही खा गन्ना। हम लोगों को क्लास में ना मुर्गा बनाया और मुर्गा बनाते वक्त वो तो मोटा था ना वो पूरी क्लास के साथ ही करके हंस रहा था। वो तो तुम लोगों ने रोक लिया नहीं तो मैं ना उसको ना फोड़ देता मैं। ओए अमन अच्छा हुआ तूने उसका कचूमर नहीं निकाला। अगर तू उसका कचूमर निकाल देता ना तो हमारे घर वाले हम ही को डांटते क्योंकि हमारे घर वाले हमारी बात तो सुनते नहीं है। और अगर वो तेरा कचूमर निकाल देता तो अभी हमारे घर वाले हम ही को डांटते क्योंकि हमारे घर वालों को सिर्फ हमारी गलती दिखती है मम्मी तो मेरी बात भी नहीं सुनती। सही बात है हम बड़ों को तो हमारी कोई फीलिंग समझ में ही नहीं आती। आज ना मैं इन बड़ों से ना बात करके रहूंगा। हाँ क्या? डोंट एंग्री मी।
बड़े तो बड़े, तुम छोटे भी कुछ कम नहीं हो। अमन, रोहन। मैं तो भेलपुरी खा रही थी, मैं तो पानी पूरी बना रही थी। अरे भेलपुरी खा रही थी, पानी पूरी बना रही थी। और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, और तुझको मिर्ची लगी। बंसो, अब बस कर, बस कर, बस कर। तेरे खाने से नहीं पर तेरे गाने से मिर्ची जरूर लगती है। क्यों परजाई जी, मैं इतना तीखा जो गाती हूँ, है ना? चुपचाप मुंह बंद करके मुझे गाजर का हलवा बनाने दे रविंदर के लिए। अरे मैं बना देती हूँ ना परजाई जी। नहीं नहीं, आज बच्चों के लिए मैं ही पकाऊंगी। तू बाहर का काम देख, मैं किचन का काम देखती हूँ। अच्छा ठीक है। पता ही नहीं है। ओए मैं तेरी तरह बुलक्कर नहीं हूँ। कुछ खाओगी फूफी? क्योंकि आज मैं कुछ अच्छा बनाने वाली हूँ। आज तक कुछ बुरा पका कर खिला रही थी हमें? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं कुछ खास बना रही हूँ, क्योंकि मेरी लाडली बेटी आती होगी। तेरी लाडली? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं लाडले बच्चों की फौज आती होगी। आजकल के बच्चे भी फौज में भर्ती होने लगे? आजकल के बच्चे किसी फौज से कम नहीं होते फूफी। हाँ वो तो है। शबाशी, बड़ी प्यारी खुशबू है। वाह भाई, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है और भूख भी बहुत जोर से लगी है परजय जी। हाँ अमृता पुत्र, जल्दी से खाना बना दे, भूख वाकई जोर से लगी है। क्या पापा जी, आप भी बच्चों की तरह किचन में आ गए? आप बाहर बैठिए, मैं अभी खाना बना के लाती हूँ। चल जसवीर, बाहर ही बैठते। ठीक है पापा जी। ये रविंदर गर्मा गर्म दूध पी। मम्मी इतना सारा दूध मैं नहीं पीने वाला। क्यों नहीं पिया जाएगा, ये दूध भी खत्म करना है और वो फल भी। फल भी कभी खत्म होते हैं? वो एक मौसम के फल जाते हैं ना तो दूसरे मौसम के आ जाते हैं। क्यों सतपाल? सतपाल नहीं बहना, यशपाल, यशपाल, यशपाल। ओए हाँ हाँ, सोच क्या है पुत्र, दूध और फल खत्म करना है। नहीं दादू, देखो ना मम्मी को। ये हर बार तुम दादू को बीच में क्यों घसीटते हो? मम्मी ठीक कह रही है, खाया पिया करो, यही तो उम्र है सेहत बनाने की। गिल्ली डंडा खेलने चलेगा? हाँ चलो। कोई नहीं जाएगा, बात शिकायत आने लगी है तुम्हारे स्कूल से। ना टाइम पे स्कूल जाते हो, ना होमवर्क करते हो, बहुत शैतानी करने लगे हो। अमृता पुत्र, आज से इनका बाहर जाना और टीवी देखना बंद। मैं इनका होमवर्क कुछ चेक करूंगा, ये बात ही बाहर जाने देना। पापा जी, पापा जी, अपनी पंचायत ऑफिस में कोई बंदर घुस आया है। क्या? यशपाल सिंह चौधरी की पंचायत में बंदर? जसवीर चल गाड़ी निकाल, मैं देखता हूँ। चलो पापा जी। बैठो, अपनी जगह बैठो। जब तक तुम लोग ये दूध और फल और अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेते, तब तक तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, समझे?
सामान। मम्मी मुझे ये दूध नहीं पीना। कुछ नहीं चलेगा। मम्मी मैं इन चूड़ियों को देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं ये चूड़ियाँ पहन सकती। तो मैं जानती हूँ मेरी रावी बेटी, पर मैं क्या करूँ अगर तेरे दादू जी को पता चल गया तो। लेकिन मम्मी अभी तो दादू नहीं है ना। मम्मी आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं ना, मुझे थोड़ी देर के लिए लड़की बनाई है ना, प्लीज 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 मम्मी। नहीं बेटी, अगर तेरे दादू जी को इस बात की भनक भी लग गई ना तो घर पे बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, इसके लिए मैं तेरी ये बात नहीं मान सकती। मम्मी आप अपनी बेटी की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर सकती, मैं हूँ तो लड़की ही ना, मेरा भी तो बाकी लड़कियों की तरह सजने सवरने का सुंदर लगने का मन करता है ना। देख रावी, जब बार बार पर जिद मत क्या कर, जब कोई ना होगा तो मैं तुझे सजा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी तैयार होना है और आपके हाथों से होना है। आजा बैठ। मम्मी आपकी चुन्नी। हाँ हाँ। मेरे घर में इतने सब कुछ हो गया तो मुझे पता भी नहीं चला। पापा जी जरा शांति से। चुप रह तू। इस हाथ में मम्मी आराम से चुप रहे। मम्मी आपको तो कुछ भी नहीं आता, सही से बनाओ। अच्छा तू ही तो कह रही कि मुझे लड़की बनना लड़की बनना जिद करके। कैसी लग रही हो? मेरी बहू ने मुझे इतना बड़ा झूठ छुपा के रखा, मेरे घर में लड़की को लड़का बना के रखा। छोड़ता नहीं। पर फिर भी पापा जी कहा ना तुझे चुप रह चुप रह। अरे रावी रावी, अगर इतनी जोर जोर से नाचोगी ना तो घर वालों को नहीं सारे पिंड को पता चल जाएगा कि तू रविंदर नहीं रावी है। रावी रिमोट कहाँ गया? मम्मी आपको तो मेरा डांस करना अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए मैंने डांस करना बंद कर दिया। ठीक है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डांस काफी अच्छा लगता है। हाँ? मम्मी आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, बताओ बताओ अच्छा लगता है ना? हाँ पता है, मैं बचपन में श्रीदेवी की चोरी चोरी डांस किया करती थी। तो मुझे भी करके दिखाओ ना। एक मिनट, मम्मी के लिए एक गाना। पापा जी आप कुछ ऐसा वैसा मत कर बैठना। चुप रह,
चल मेरे साथ। कोई सपना देखा क्या? हाँ मम्मी, सपने था। बेटा सपने से डरते नहीं है, और सुबह स्कूल भी जाना है ना, चला जा, सो जा। कितनी अच्छी, कितनी अच्छी जोकी है। कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। क्यों हंस रहे हो तुम लोग, क्या बात है? रविंद्र तुझे पता है मैंने सपना देखा कि मैं अपने पापा जी के रूप में हूँ। हाँ मैंने भी सपना देखा कि मैं दादू जी के रूप में हूँ। क्या तुम लोग ने भी यही सपना देखा? हाँ। हम बच्चे कितना गलत समझते हैं कि बड़ा बनना बहुत ही आसान है, लेकिन मुश्किल है। और मेरी मम्मी बनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।